जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों से वादा किया था और आप लोगों ने बड़ी तनकीद की कि जी जो है वो ऐसी बातें करते हुए कुरानी या ऐसी बातें करते हुए सर पे दुपट्टा होना चाहिए, तो मैं अपने उन बहन भाइयों से माफ़ी चाहूँगी। लेकिन एक्चुअली काम ऐसा है कि अगर मैं सितारे सुनाऊँ और मैं इस तरह करूँ तो वो भी आप लोग उस पर भी कल को ऑब्जेक्शन बना देंगे। तो एनीवेज आप लोगों का हुक्म सर आँखों पर होता है और हमें आप हैं तो हम हैं, तो आप जो आपके एतराज़ जायज़ लगेंगे मैं उनको कोशिश भी करती हूँ कि मैं उन कमियों को मैं आगे आने वाले वक्त में ना दोहराऊँ या उन गलतियों को ना दोहराऊँ। अच्छा जी, अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है और बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं जिनकी शादियां नहीं हो रही, जिनकी शादियों में रुकावट आ रही है। तो मेरा एक छोटा सा एक बड़ी छोटी सी इबादत है, लेकिन यकीन करें कि मैंने सुना है कि अगला साल आने से पहले पहले अल्लाह पाक ये मुराद पूरी कर चुके होंगे उनके लिए। अब आपने करना क्या है कि जब आप दसवां रोज़ा इफ्तार करेंगे, दसवां रोज़ा याद रखिएगा और ग्यारहवां रोज़ा आपने रखना है, तो आपने क्या करना है कि उस टाइम पे लिए जो है इशा पढ़ी अपनी, इशा पढ़ने के बाद आपने 12 नफल नमाज़े हाजत पढ़नी है, 12 नफल, और उनको दो दो करके पढ़ना है। ये लड़के भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, इवन लड़के और लड़कियों की माएँ जो परेशान हैं वो भी ये कर सकती हैं, पढ़ सकते हैं इसको। दो दो नफल पढ़ने आपने, और आपने उन दो नवाफिल में सूरत फातिहा पढ़ने के बाद, जब हम सूरत फातिहा पढ़ते हैं उसके बाद आपने 12 मरतबा सूरत इखलास, 12 मरतबा, मतलब ये आपने एक रकात में भी 12 मरतबा सूरत इखलास पढ़ी, फिर दूसरी रकात आपने नियत, जब दूसरी रकात में आप गए तो अलहम्द शरीफ के बाद 12 मरतबा फिर आपने सूरत इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम या कुल्लहु कुफुवन अहद, तो ये आपने पढ़नी है। और फिर आपने सलाम फेर देना है। आपको निशानी पास रख लीजिए, काउंटर पास रख लीजिए, उसके ऊपर लिखते जाइए कि आपके, करते जाइए कि आपके कितने नफल हो गए, फिर दो नफल इसी तरह पढ़े, मतलब हर रकात में आपने सूरह फातिहा के बाद 12 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है और 12 नफले हाजत पढ़ने हैं दो 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 करके। उसके बाद खुशू खुजू से दुआ मांगिए, और जो है एक और बड़ा ही खूबसूरत आपको टोटका दे दूं और रूहानी ये का नुस्खा है ये भी कि जो हमें तस्बीह फातिमिया कहा जाता है नमाज में पढ़ने के लिए, 33 टाइम्स सुबहानल्ला, 33 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह, 33 टाइम्स अल्लाहु अकबर, इसको तस्बीह फातिमिया कहा जाता है। ये भी शादी के लिए बेहतरीन वजीफ़ा है, बल्कि मैं कंवारी बच्चियों को हमेशा से मना करती हूँ कि बहुत ज़्यादा वजाइफ में आपने नहीं पढ़ना, आप ये तस्बीह की रूटीन कर लीजिए और ये तस्बीह आप इन दिनों में रेगुलर हर नमाज के बाद पढ़िए, और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सदक़े अपने रिश्ते के लिए और अच्छे घर के लिए, नेक घर और अच्छा बर मांगिए। इन दो जो है वो ये इबादत तस्बीह फातिमिया तो हम पढ़ते ही हैं नमाज के बाद, तो एक दो मिनट की हमारी वो तस्बीह होती है। और ये 10वां रोज़ा इफ्तार करके आपने ये 12 रकात नमाज पढ़नी है और 12वें रोज़े की नियत करनी है, उसको रखना है आपने, और खुशू खुजू के साथ दुआ मांगनी है। ख़ुद भी पढ़िए और भी लोगों में बांटिए, सदका जारिया है, क्योंकि जब वो पढ़ेंगे उसका सवाब भी इनडायरेक्टली आप तक आ जाएगा। तो इस सवाब की चेन चला दीजिए, माह रमज़ान है और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने, मैंने देखिए ये तो मैंने सुना भी है और इसको आजमाया भी है कि अगला साल आने से पहले पहले आपको अच्छा घर नेक बर अल्लाह पाक जो है वो मायूस नहीं करेंगे, यकीन के साथ पढ़ना है आपने, और अगर फ़ायदा पहुँचेगा तो सिर्फ थोड़ी सी दुआ दे देनी है। याद रख लीजिएगा नवाफिल दो दो करके पढ़ने हैं आपने, और हर रकात में 12 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है। फी अमानुल्लाह, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।